नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन। हमारे अतीत पुस्तक है, कक्षा 6 अध्याय है, आरंभिक नगर अध्याय 3 है। ये इस अध्याय को पढ़ने के लिए आपको हम सबसे पहले मानचित्र 3 में लेके जाते हैं। ये मानचित्र 3 को आप ध्यान से देखें। इसमें एक मानचित्र दिया गया है जिसमें काफी पुराने नगरों के नाम दिए गए हैं। और ये जो पुरास्थल है, पिछले पाठ में भी हमने पढ़ा था, पुरास्थल मतलब पुराने स्थल। और इतिहास से तथ्यों पे, पुराने तथ्यों पे, पुरानी इमारतों पे, पुरानी बिल्डिंगों के अध्ययन करके ही इतिहास का सही पता किया जा सकता है। तो ये जो दो बच्चे यहाँ पे आपस में चर्चा करते हैं, जो जसपाल और हरप्रीत है, वो दोनों ये चर्चा करने लग रहे हैं। और गली में क्रिकेट खेलते खेलते जो उनकी जो बॉल है, जैसे गांव में या शहर में पुराने जगह, पुरानी बिल्डिंग जो टूटी फूटी बिल्डिंग होती है उस पर चली जाती है, और उन बिल्डिंग की तरफ देख के वो कहते हैं, जो ये खंडहर है, खंडहर मतलब टूटे फूटे मकान, पुराने मकान, खंडहर जो खंड खंड हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे बिल्डिंग, ऐसी इमारतें जिसको हम खंडहर बोलते हैं। और उन खंडहरों के बारे में ही उन्होंने सोचा भी क्या ये कुछ इनसे हमें पता चलता है, इन बिल्डिंगों से, इन इमारतों से। तो उसी बात को लेके वो चर्चा कर रहे थे। तो इस पाठ में उन्हीं चीजों का जिक्र है, जैसे कि आपको पता है, जो 150 साल पहले पंजाब में जब अंग्रेजों ने रेल की लाइन बिछानी शुरू की, वैसे इन इमारतों का पता हमें 150 साल पहले लगा, लेकिन पंजाब में रेलवे लाइन जब बिछाई गई तो उस समय इन इमारतों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त की गई। जहां से रेलवे लाइन गुजरी थी वहीं से रास्ते में ये पुराने खंडहर मिले, और इनसे काफी सारी ईंटें उठा के लोग वहां से ले गए, या सरकार ले गई, उस समय का प्रशासन ले गया। उनको इस प्रकार की वैल्यू इनका पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो ईंटों का भंडार मिल गया है, और बड़ी बड़ी ईंटें, बहुत मजबूत पुरानी पक्की ईंटें वहां पे मिली, और उनको उखाड़ के वो ले गए काफी संख्या में। लेकिन उसके 80 साल बाद फिर दोबारा से उसी स्थान की खोज की गई, पता किया गया, पता लगाया गया। तो वहां पे जब उसकी खोज की गई, इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जब उसकी जांच की, तो पता चला कि यहाँ पे पूरा शहर नगर बसा हुआ है, और उस नगर के बारे में, इसका नाम है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस प्रकार की सभ्यता के नाम हमने इतिहास में पढ़े हैं। पुरानी जो हमारी नगर बसे हैं, नगरों का इतिहास रहा है, उसके बारे में जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। तो ये जो शहर नगर है, ये 4700 साल पहले ये कहा गया कि बसाए गए, पता चला। और इनको पुराने स्थल भी कहते हैं, खंडहर के रूप में ही हमें मिले हैं, टूटे फूटे, क्योंकि ये पूरे के पूरे सुरक्षित नहीं रखे गए, किसी न किसी कारण से टूटे होंगे। इनमें ईंटें हैं, इसमें बहुत सारी और चीजें मिली हैं, मटेरियल मिले हैं, बहुत सारे पुरातत्व अवशेष मिले हैं, वस्तुएं मिली हैं, जिनको देख के इनके बारे में जानकारी ली गई। और अगर देखें ये आधुनिक, अभी जो ये जगह कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पंजाब और सिंध जो राज्य है वहाँ पे ये पुरास्थल अवस्थित है, उपस्थित है, वहाँ पे संभाल के रखे गए हैं। ऐसे ही भारत में भी, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में ये अनेक पुराने स्थल पाए गए हैं, जिनको संरक्षित करके सरकार ने अपने कब्जे में लेके अब उसका, उसकी खोज, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और लोग इतिहास में उसको शामिल करके रखा गया है। तो ये पुराने स्थल हमारे लिए बहुत ही जानकारी के, ज्ञान के स्रोत है इतिहास के लिए। तो ये जो नगर है हड़प्पा,
हड़प्पा के बारे में मुख्य रूप से हड़प्पा की जो सभ्यता है, नगर जो बसाए गए, शहर बसाए गए हैं, उसकी अगर विशेषता देखें आप, जैसे आज हमारे आसपास इमारतें हैं, बिल्डिंग है, गलियां हैं, आज हमारी गलियां टेढ़ी मेढ़ी भी है बिना किसी मानचित्र के, बिना किसी नक्शे के, लेकिन हमें ये पता चला कि जो हड़प्पा और इस प्रकार के नगर बसाए गए वो पूरी योजना के तहत बसाए गए। सारी योजना बना के किस तरीके से गलियां जाएगी, किस तरीके से नालियां निकलेगी, किस तरीके से सड़कें निकलेगी, कहाँ पे क्या होगा, ऊंचा इलाका कौन सा है, नीचा इलाका कौन सा है, कहाँ पे महत्वपूर्ण बिल्डिंग कहाँ पे है, कहाँ पे दूसरी बिल्डिंग है, इस प्रकार का पूरा मानचित्र बना के, चित्र बना के, नक्शा बना के फिर ये इमारतें तैयार की गई। तो इनसे हमें यही सीखने के, जब पाठ को आप डिटेल में पढ़ोगे और इन चित्रों को देखें आप, इसमें जो मानचित्र है, जो ये मानचित्र मैं आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इस मानचित्र को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, इसमें नाम आएंगे। तो जो ये नगरों की विशेषता है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी मोटी मोटी बातें हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो नगर थे वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बांटे गए थे, एक शहर के, एक नगर के कई हिस्से हैं, जैसे एक पूर्व का हिस्सा, एक पश्चिम का हिस्सा। पूर्वी हिस्से में जो नगर और दुर्ग ऊंचाई वाले इलाके थे, नगर दुर्ग जो ऊंचाई वाले जगह पे बनाए जाते थे, और जो निचले इलाके थे वहाँ पे बस्तियाँ दूसरी बसाई जाती थी। तो ये आप इसमें सारी चीजों के बारे में पढ़ पाएंगे। इसी तरीके से चार दीवारी जो है नगरों की, पूरी पूरे नगर की चार दीवारी बनाई गई ताकि वो सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई होगी, भाई जानवरों से या आक्रमणकारियों से या किसी भी इस प्रकार के आक्रमणों से बचाव के लिए नगर की बहुत ऊंची चार दीवारी बनाई गई। और इस चार दीवारी में ईंटें, पक्की ईंटें लगाई गई और ऊंची ऊंची दीवारें थी। हजारों साल पुरानी जो लंबे समय तक ईंटें चली, पक्की ईंटें, आज भी सुरक्षित है। जो चिनाई में या गांव में जैसे आज हम चार दीवारी बनाते हैं तो आजकल हम छोटी ईंटों का उपयोग करते हैं, तो उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी ईंटें और बहुत पक्की ईंटें, अच्छी मजबूत ईंटें, आज भी वो ईंटें संभाल के रखी गई है। तो ये नगरों की विशेषता, मतलब उसमें ईंटें भी निकली है, उसकी चार दीवारी भी हमें मिली है, उसमें जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो नगर बसाए गए उसको हिस्सों में बांटा गया है, पूरे हिस्से, पश्चिमी हिस्से, सारी बातें आप इसमें पढ़ोगे और इसकी जानकारी प्राप्त करोगे। तो मोहनजोदड़ो भी एक जगह है इसमें, उसमें एक बड़ा तालाब निकला स्नानागार के, जो महान स्नानागार जिसको हम आजकल जैसे नहाने की जगह कहते हैं, जहाँ पे हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, बाथरूम कहते हैं, जो बाथरूम और टॉयलेट का समय जो हर घर में प्रयोग करते हैं, तो स्नानागार बहुत बड़ा स्नानागार, जहाँ पे इतना बड़ा साइज का सभी पूरे तरीके से भी, कहाँ पे पानी है, क्या प्रबंध है, कहाँ पे कुएं का है, कहाँ पे नालियाँ हैं, कहाँ पे पानी जा रहा है, कहाँ से निकासी है, इस प्रकार के ईंटें और प्लास्टर से बना हुआ था स्नानागार, ताकि पानी को रोका जाए और कोई लीकेज ना हो, पानी कहीं से भी लीक ना कर पाए। तो उसके अंदर चारकोल, पानी की जो लीक होने से बचाने के लिए जो तारकोल जिसको हम कहते हैं, जिसका ना असली नाम चारकोल है, उसका भी प्रयोग उसमें किया गया, सीमेंट का, प्लास्टर का, इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। और टेक्निक बनाने की, इतनी टेक्निक, इतने कारीगर, मतलब अच्छे इंजीनियरिंग का भी कमाल उसमें देखा गया, सीढ़ियाँ बनाई गई, कुएं बनाए गए। तो ये सारी बातें इसमें आप पढ़ पाएंगे नगरों के बारे में। और जो कालीबंगा और लोथल जो स्थान इसमें दिए गए मानचित्र में, वहाँ पे कुंड निकले हैं, बड़े बड़े कुंड निकले हैं तालाब के रूप में, जहाँ पे लोग पानी के लिए प्रयोग करते थे या दूसरे हमारे धार्मिक रीति रिवाजों के लिए भी उनका प्रयोग करते थे। हड़प्पा में बड़ा भंडार ग्रह निकला है, भंडार ग्रह मतलब जैसे हम गोदाम जिसको हम कहते हैं, अनाज या दूसरी चीजें संभाल के रखी जाती थी, क्योंकि अनाज एक ही बार फसल उगती थी और फिर भी उसको कुछ में दिनों के लिए, 5 महीने, 6 महीने के लिए, साल के लिए सुरक्षा के लिए रखा जाता था, ताकि वो मिल के। और ये भी पता चला है कि हड़प्पा और इस सभ्यता के लोग जो एक ही जगह, पूरे नगर के या पूरे एरिया के लोग एक ही जगह अनाज रखते थे, जिसको जितनी जरूरत थी अनाज की वो उतना लेके जाते थे। ये भी मतलब जब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, यूट्यूब पे भी जानते हैं और भी जानकारी लेते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि ये बड़े मतलब शांतिपूर्ण लोग थे, ईमानदारी से काम करते थे, सहस्थित था, आपस में प्रेम प्यार था, कोई मतलब इस प्रकार के
अपराध नहीं थे और ईमानदार से सभी लोग अपने अपने काम करते थे और एक ही जगह जैसे अनाज रखते थे, जिसको जितनी जरूरत थी वो अपने आप उठा के लेके जाता था और सभी जो अनाज पैदा करके एक ही जगह भंडार के रूप में रखते थे। तो इसमें अगर भवन, नाले और सड़कों के बारे में बात करें तो ये दो मंजिल भवने, दो मंजिल पत्ते वहाँ पे मिली है, आंगन भी है, जो भवन है उसमें आंगन है और कमरे हैं, कुएं हैं, स्नानागार है, हर जैसे लिहाज से जैसे आज के हम आधुनिक मकान बनाते हैं उसी तरीके से पूरे नक्शे के अनुसार पूरी प्लानिंग से पूरी योजना से वो चित्र जो जो है पूरे जो भवन है वो बनाई गई। तो हम समझते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो कहानी है वो हमें बताती है कि हमारा जो इतिहास रहा है बड़ा उज्ज्वल रहा है। इतिहास के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनसे हम सीखते हैं कि पहले भी इस प्रकार का ज्ञान था, इस प्रकार की टेक्निक थी, इस प्रकार की इंजीनियरिंग थी, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी और ऐसे ऐसे मैकेनिक थे, मिस्त्री थे, मजदूर थे और जो लोग थे वहाँ के अच्छे जानकार थे, जो अच्छे तरीके से रहते थे। तो नगरों के बारे में आप अच्छे से इसके पाठों को पढ़ेंगे, सभी चित्रों का आप देख पाएंगे। अगर ये आप देख पा रहे हैं जैसे ये स्नानागार का मैं चित्र आपको दिखाऊं, ये कितना बड़ा स्नानागार इसमें दिया गया है, जो हड़प्पा में स्नानागार जो मिला है उसका चित्र दिया गया है और इसमें ईंटों की चिनाई के लिए चित्र दिया गया है, इसको भी आप देखें, पुस्तक से आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। और जो आगे इस पाठ को हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, नगरों के जो जीवन है उसके बारे में हम जानेंगे, तब तक आप इस पाठ को, इसके सारे अध्याय को, इस हिस्से को आप अच्छे से पढ़ें और उत्तरों की पढ़ें।